हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो? तो मैं अभी श्रीलंका में हूँ, श्रीलंका के एयरपोर्ट में हूँ। एक्चुअली अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैंने चेन्नई से 10 बजे की फ़्लाइट ली थी, जो कि यहाँ पे 3 बजे मुझे श्रीलंका पहुँचा थी। मेरी इमिग्रेशन और सब कुछ हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा थका हुआ हूँ और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाएगी तो फिर आपको भी समझने में तकलीफ हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बना दूँगा। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और ये वाली टिकट कटाने वाला तो मैं ही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं श्रीलंका आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने रिटर्न फ्लाइट टिकट वाली टिकट कटवाई थी, तो मतलब राउंड ट्रिप की टिकट कटवाई थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि आज 11 तारीख है वैसे, तो 11 तारीख के रात 1 बजे की फ़्लाइट ले लूँ, या तो 11 तारीख के मतलब सुबह 11 बजे की फ़्लाइट ले लूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 1 बजे की फ़्लाइट लूँगा, जो कि 3 बजे मुझे यहाँ पे पहुँचाएगी। उसका कारण ये था कि मैं 11 तारीख को वेस्ट नहीं करना चाहता था और सोचा कि 11 तारीख बेकार हो जाएगी, तो मैं 3 बजे ही पहुंच जाऊं तो वही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन जब मैं चेन्नई के एयरपोर्ट में आया, मैंने फ़्लाइट चेन्नई के एयरपोर्ट से ली, इंडिगो फ़्लाइट, तो जब मैं चेन्नई के एयरपोर्ट में पहुंचा तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं था कि 3 बजे के बाद मुझे मतलब कौन सा हॉस्टल मुझे मतलब घुसने देगा, क्योंकि नॉर्मली चेक इन टाइम तो 10 से 11 बजे की होती है। तो मैंने अपनी बैगेज तो कलेक्ट कर ली है, ये मेरी बैग है और ये मेरी बैकपैक है, और तब से मैं सोच रहा हूँ तो अब करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से कोलंबो के लिए बस लूँगा, यहाँ से बस मिलती है, एयरपोर्ट से बस मिलती है, और कोलंबो से मैं सीधा ट्रेन लेके कैंडी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जो भी जगह मुझे घूमनी है वैसे भी वो कैंडी के आसपास ही है। और वैसे भी आज अगर मैं कोलंबो में रहता भी तो कल फिर से मुझे कैंडी ही जाना पड़ता, लेकिन क्योंकि मुझे अभी पता है कि कोई भी हॉस्टल मुझे अभी चेक इन तो करने देगी नहीं, और तो मैं यही सोचा कि इस समय को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, और सुबह सुबह का समय है, कोलंबो तक जब तक पहुँचूँगा बस लेके तब तक तो मतलब सुबह 6 बज ही जाएगी, तो और सुबह 6 बजे से ट्रेन शुरू हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि मैं ट्रेन लेके कैंडी सीधा पहुंच जाऊं। कोलंबो से कैंडी 2 घंटे की दूरी पर है जितना मुझे पता है, अभी तक 2 से 2.5 घंटे लगती है, तो एक बार कैंडी पहुंच जाऊं तो वही मेरे लिए सही होगा और वहीं पे जाके रेस्ट करूंगा। कैंडी जाने का एक और रीज़न ये भी है कि वैसे तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं booking.com पर चेक भी कर रहा था, कोलंबो और उसके पास जो निगोम्बो पड़ती है, या आपको पता चलेगा जब आप श्रीलंका में आते हो, या तो आप कोलंबो जाओगे या तो निगोम्बो जाओगे, दोनों आसपास ही है, इतनी दूर नहीं है, लेकिन जो एकोमोडेशन की प्राइस है कोलंबो में वो पूरे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है। और तो कैंडी में एक्चुअली एकोमोडेशन बहुत चीप है कंपेयर टू कोलंबो और निगोम्बो। इनफैक्ट मैं आपको बता भी सकता हूँ कि मतलब कोलंबो में अभी जो हॉस्टल की रेट मिल रही है वो $8 से $10 में मिल रही है, और वैसा ही मतलब $6 में निगोम्बो में मिल रही है, जबकि अगर मैं सीधा कैंडी चले जाता हूँ तो मुझे $2 या $3 में एक अच्छा हॉस्टल मिल जा रहा है। तो मेरे लिए तो सही वही होगा कि मैं सीधा कैंडी चले जाऊँ, तो अभी के लिए तो मैं यही डिसाइड किया हूँ। श्रीलंका की एयरपोर्ट है, यहाँ से मैंने बैगेज ली, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है एक्चुअली, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। जाते जाते मैं आपको एयरपोर्ट दिखा दूँगा। अभी मेरे 2 काम बचे हैं कि मैं थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवा लूँ, और अगर मुझे सिम कार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं सिम कार्ड मुझे कितने में मिलेगा, लेकिन करेंसी एक्सचेंज तो मतलब जाने के पहले मुझे करवाना है, ये दो काम मुझे करना है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देर तक बैठूँगा यहाँ पर, और उसके बाद जब 4 बज जाएगी तब जाके करेंसी एक्सचेंज करवा लूँगा, और उसके बाद जाके सिम कार्ड ख़रीद के यहाँ से बस लेके कोलंबो पहुँच जाऊँगा, और कोलंबो से कैंडी। अब हो गया समय, चलता हूँ, सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ, देखता हूँ करेंसी एक्सचेंज कहाँ पे होगा, और उसके बाद
मिनट कुछ छूटा नहीं ना, एक बार चेक कर लेता नहीं कुछ भी नहीं छूटा। तो एयरपोर्ट कुछ इस तरह से दिखती है। खतरनाक वाली भीड़ है, नेपाल के मुकाबले यहाँ पे श्रीलंका में बहुत लोग आ रहे हैं। हाय, हाउ मच यू आर गिविंग फॉर $1 श्रीलंकन रुपीस? नो कमीशन। 203? आज का रेट आई थिंक टूडेज रेट इज 202. ओके ओके, फॉर $100 यू नीड पासपोर्ट। अभी श्रीलंकन रुपीज $1 इज 202.8, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल रहा है 203 श्रीलंकन रुपीज़ $1। मुझे नहीं पता एयरपोर्ट में इतना अच्छा रेट कैसे मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। संपत बैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। अब वहाँ से निकलते और स्ट्रीट में जो यहाँ पे एक्सचेंज है, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे मतलब आज का जो रेट है $1 202.8 श्रीलंकन रुपीज़ है, और उन्होंने मुझे दिया 203 श्रीलंकन रुपीज़। मतलब एयरपोर्ट में इतना अच्छा मिलना असंभव सा लगता है। अब मुझे लेना है सिम कार्ड, लेकिन ये क्या है, पासपोर्ट होल्डर विद QR कोड, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या? हाय सर, यू आर फ्रॉम श्रीलंका? यू आर फ्रॉम श्रीलंका? Which is the best film part over here in Sri Lanka? DIALOG in the best? Good stuff. Hi. Hi. Hello. How are you? How are you doing? Very good. This is my National Geographic. Something like that, you can say that. So, I... वहाँ पे जो एक अंकल खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा सिम कार्ड अच्छा होगा, तो उन्होंने वो वाली काउंटर दिखाई। 350 इंडियन रुपीस पड़ा, और मतलब श्रीलंकन रुपीस में 959। बाप रे, बाहर कितना भीड़ है। समझ में नहीं आ रहा है मैं किधर से भागूं। तो अभी रात हो रहा है और मुझे लेना है अभी बस। आई विल गो टू कोलंबो और देन टू कंडी। चेन्नई टू वॉकिंग टू लाइक 1.5 किलोमीटर।
बस खोजना होगा पहले. Excuse me, sir. Where are you get a bus to Colombo? Exit. You go this road. Go ahead. Right side. 600 meters. So. 600 meter. Then I'll get a bus. You see. But I have to go cross the road and go this way, na? Yeah. Okay, I'll ask someone there. It will be easy for me. Come straight? Okay. Okay. It will drop me to Colombo? Okay, Stuti. मतलब यहाँ से बस नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बस मिलेगी. मैं दो रात से सोया नहीं हूँ, आज रात नहीं सोया, कल ट्रेन में भी मुझे नींद नहीं आया. मतलब टू कंसेक्यूटिव नाइट मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. और मैं बोल रहा हूँ मैं कैंडी जाऊँगा, देखते हैं. पहुँच गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेन में ही सो जाऊँगा. तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और एक खड़े थे, तो मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे कोलंबो के लिए बस कहाँ से मिलेगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 किलोमीटर दूर एरिवत्ते टावर है. थैंक यू. तो मैं अभी एरिवत्ते टावर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे रोड क्रॉस करनी है. इधर चले जाता हूँ, अंधेरे अंधेरे में चलने में मज़ा आएगा. क्या टैक्सी और टुक टुक में? नो थैंक यू. अब मास्क खोल के शांति मिल रहा है थोड़ा सा. बाप रे बाप, हमेशा मास्क पहन के रहने से कैसा दम घुटता है ना. तो हम जा रहे हैं अभी अरिवत्ते टावर. मैंने आपको सिम कार्ड के बारे में बताया कि मुझे सिम कार्ड जो मिली तो वो 900 समथिंग श्रीलंकन रुपीज़ है. मैं अच्छे से डिटेल में आपको मेंशन कर दूंगा वेटिंग यहाँ पे. और जो कि इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 350 रुपये, लेकिन उसमें मेरी कॉलिंग नहीं है. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको कॉल चाहिए तो उसके लिए और भी प्राइस हाई हो जाती है. मुझे लगा कि मैं कॉल किसको करूँगा यहाँ पर, मुझे अगर डाटा मिल जाती है वही मेरे लिए काफ़ी है ना, डाटा से ही तो सब कुछ हो जाता है आजकल. तो मैंने, मेरे पास कॉलिंग करने के लिए बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे टोटल 25 GB मिली इंडियन 350 रुपये के लिए में. तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा. यहाँ पे काफ़ी सारे कैसिनोज है लगता है. बेलीज प्ले एंड विन भाकर. ऐसे 5-6 बोट मुझे दिख गए, आगे और भी है. कैसिनो प्रमोट कर रहे हैं एयरपोर्ट से निकलते हुए.
अब एयरपोर्ट से निकलिए और कसिनो में खेलने जाइए। बेबीज कसिनो चाइनीज में लिखा हुआ। एक टावर फ्रॉम वेयर आई कैन गेट बस फॉर कोलंबो एलिवेट टावर। थैंक यू। टावर का नाम ही बोल गया क्या? टावर का नाम था जो भी टावर है आगे। लेट्स गो। स्टेशन 78 नंद्री।